शर्त लगा लो फ्रेंड्स, ऐसी अंडा करी ना आपने कभी खाई होगी ना कभी यूट्यूब पे देखी होगी। एकदम न्यू ब्रांड अंडा करी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे खाने के बाद आपका दिल इतना खुश हो जाएगा। वैसे भी इस अंडा करी का नाम ही है दिल खुश अंडा करी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय शॉस किचन। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंडा करी की एकदम यूनिक रेसिपी। बस एक बार इस तरीके से अंडा करी आप घर पे आए हुए मेहमानों को खिला करके देखिए जी, मेहमान घर से जाने का नाम ही नहीं लेंगे फ्रेंड्स। इतनी मज़ेदार ये बनती है ना, बहुत ही आसान तरीके से। तो प्लीज़ आज का वीडियो एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। तो आज की संडे स्पेशल अंडा करी बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले अंडे बॉईल करना है फ्रेंड्स। वैसे भी हर किसी की शिकायत होती है कि अंडे उबालते वक्त तो फूट जाते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अंडे उबालने का भी तरीका आपके साथ शेयर किया है। तो एक बर्तन में मैंने 2 ग्लास इतना पानी डाला, 1 छोटा चम्मच इतना नमक डाला, गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखा है फ्रेंड्स, और एक एक करके इस तरह से धीरे धीरे से अंडे इसमें डाल देंगे। नमक डालने से क्या होता है ना, अंडे हमारे फूटते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से बॉईल भी होते हैं फ्रेंड्स। गैस का फ्लेम अभी हाई टू मीडियम के बीच का करके इसे ना 4 से 5 मिनट तक उबाल लीजिए। अंडे अच्छे से उबल जाएंगे, बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं, फूटेंगे नहीं फ्रेंड्स। अच्छे से इस तरह से अंडे आप घर पर उबाल सकते हैं, बिल्कुल भी ये बिखरेंगे नहीं। तो फाइनली यहाँ पर अंडे उबाल चुके हैं और मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे अच्छे से ठंडा होने दिया था। इसके बाद इसके ऊपर वाली जो छिलका होता है ना, उसे हम रिमूव कर लेंगे अच्छे से, और रिमूव करके इसे साइड में रख देंगे। इसके बाद देखिए, ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 1 जोड़ी इतनी पालक। पालक से ही इसकी ग्रेवी हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो 1 जोड़ी यानी तकरीबन 250 ग्राम के आसपास मैंने यहाँ पर पालक ली है, जिसके पत्तियाँ मैंने तोड़ ली थी। इसे अच्छे से 2 पानी से वॉश कर लेंगे। और पालक को हमें बॉईल करना होता है, तो एक बर्तन में मैंने 2 ग्लास इतना पानी उबाल लिया, उसमें ये सारी पालक को हम डाल देंगे। और जिस तरीके से हम पालक पनीर बनाने के लिए पालक उबालते हैं ना, बस उसी तरीके से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे उबाल लेंगे। तो इस तरीके से जब हम पालक उबाल लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो करी में इसका कच्चापन बिल्कुल भी नहीं आता, बहुत ही मज़ेदार हमारी करी बनती है जी। बस 2 मिनट तक ही उबाल लीजिए। इसका कलर देखिए पालक का, 2 मिनट तक उबालने के बाद एकदम डार्क ग्रीन हो चुका है। तो गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम गर्म पानी से निकाल लेंगे और इंस्टेंटली इसे हम डालेंगे एकदम ठंडे पानी में। ऐसा करने से क्या होगा ना, पालक का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, हरा सो हरा ही पालक का कलर यहाँ पर रहेगा फ्रेंड्स। इसीलिए आपको भी इसे एकदम ठंडे पानी में डालना है। ठंडे पानी से निकाल करके डायरेक्टली हम इसे ऐड करेंगे मिक्सी के जार में, क्योंकि इसकी हमें बनानी है प्यूरी। तो सारी पालक को मैंने देखिए ठंडे पानी से निकाल करके मिक्सी के जार में डाल दिया है। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चियाँ। तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा, वैसे भी जो तीखापन इस करी में आएगा ना, वो हरी मिर्च से ही आएगा। तो इसे हम अच्छे से पीस लेंगे, एकदम फाइन प्यूरी इसकी हमें तैयार करनी है जी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी पालक और हरी मिर्च की प्यूरी रेडी हो चुकी है। इसके बाद डायरेक्टली कढ़ाई में ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून इतना ऑयल। एक मसाला हमें यहाँ पर रेडी करना है फ्रेंड्स। इसके लिए 2 मीडियम साइज की रफली चॉप की हुई प्याज इसमें डालेंगे। इसी के साथ डालेंगे 2 मीडियम साइज के रफली चॉप किए हुए टमाटर, 1/2 इंच इतना अदरक का टुकड़ा डालेंगे ये देखिए, और इसी के साथ 7 से 8 लहसुन की कलियां भी डालेंगे। अभी यहाँ पर प्याज टमाटर अदरक लहसुन को हमें अच्छे से पकाना होगा फ्रेंड्स। तो इसमें ना साथ ही साथ डालिएगा 1 छोटा चम्मच इतना नमक, ताकि टमाटर ना अच्छे से और जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, इसीलिए नमक यहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी है। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें हमें बिल्कुल भी पानी वगैरह डालना नहीं है। डायरेक्टली लिड से कवर करके 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लीजिए। जो टमाटर में पानी होता है ना फ्रेंड्स, उससे ही ये चीज़ें हमारे पक जाएंगी जी। तो देखिए यहाँ पर 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, प्याज भी पक चुकी है। तो बस अभी गैस का फ्लेम ऑफ करके इस सारे मसाले को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस मसाले को अच्छे से ठंडा होने दीजिए और इसकी भी एकदम फाइन प्यूरी यहाँ पर तैयार कर लीजिए। अभी गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे। गैस एकदम लो फ्लेम पर रख करके इसी ऑयल में हमें ऐड करना है 1/4 चम्मच इतना हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच इतना अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ डालेंगे 1/2 चम्मच इतना गरम मसाला, कोई भी डाल दीजिए। अच्छे से इसे एक बार चला लेंगे, क्योंकि मसाले जलना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। गैस का फ्लेम एकदम यहाँ पर लो रखना है, और इसमें हम ऐड करेंगे ये बॉयल किए हुए अंडे। अंडों को हमें ना हल्का सा यहाँ पर फ्राई करना है, इसके लिए ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो मसाले का ऑयल बचा था ना, 1/2 टेबलस्पून इतने ही ऑयल में ये अंडे मैंने फ्राई कर लिए हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ 1/2 चम्मच इतना लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा।
देखिए इस तरह का एकदम रेड कलर इस अंडे को आ जाएगा जी लाल मिर्च पाउडर से, और ग्रेवी में ये दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। 2 मिनट तक इसे चलाने के बाद यहाँ पर अंडे हमारे अच्छे से हाफ फ्राई हो चुके हैं, यानी हल्के से ये फ्राई हो चुके हैं। तो अंडों को हम ठंडा होने के बाद इस तरीके से कट लगा लेंगे, एकदम फ्लावर की तरह हमें इन अंडों को बनाना है फ्रेंड्स। ये देखिए जिस तरह के फ्लावर होते हैं ना, बस उसी तरीके से कट लगाना है, लेकिन एंड तक कट मत लगाइएगा, नीचे का पोर्शन हमें उसी तरीके से रखना है। सभी अंडे को इसी तरीके से प्रिपेयर करके साइड में रख दीजिए, और उसी कढ़ाई में अभी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून इतना ऑयल। थोड़े से खड़े मसाले हम इसमें डालेंगे, तो 1 तेज़पत्ता मैंने डाला है। इसी के साथ डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच इतना शाही जीरा, 1/2 इंच इतना दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 2 से 3 यहाँ पर लौंग डालना है ये देखिए, और अभी साथ ही साथ इसमें डालेंगे प्याज टमाटर और अदरक लहसुन की प्यूरी। देखिए फ्रेंड्स कितनी फाइन प्यूरी मैंने यहाँ पर बना करके तैयार कर ली थी। गैस का फ्लेम अभी हाई कर दीजिए और मसाले को अच्छे से भून लीजिए, इससे ऑयल रिलीज होना चाहिए, तभी हमारी अंडा करी एकदम बढ़िया फ्लेवर की बनती है जी। तो 2 से 3 मिनट तक चलाने के बाद इससे ऑयल रिलीज हो चुका है, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे ये पालक और हरी मिर्च की प्यूरी। एक एक प्यूरियाँ अभी हम इसे मसाले में डालते जाएंगे फ्रेंड्स, और इसे भी हम अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे। वैसे भी पालक हमने ऑलरेडी पका करके ली है ना, तो इसे ज़्यादा पकाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पालक उबाल करके लेने से ना फ्रेंड्स उसका कच्चापन पूरी तरीके से निकल जाता है, इसीलिए इसे हमें एक्स्ट्रा की पकाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस अच्छे से मिक्स करते ही इसमें ना थोड़ा सा उबाल आने दीजिए, पकने दीजिए सब्जी को, तभी इसमें ऐड कीजिए 2 से 3 छोटे चम्मच इतनी क्रीम, फ्रेश वाली क्रीम। मैंने यहाँ पर दूध पे की जो मलाई निकलती है ना वो वाली इस्तेमाल की है। आप बाजार की भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीम से जो है ना अंडा करी में बहुत ही अच्छे सा रिचनेस आती है फ्रेंड्स, एक अलग सा टेस्ट आता है। आप इसमें ज़रूर क्रीम डालिएगा। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर फिक्का दही जो होता है, ज़्यादा जो खट्टा दही नहीं है, एकदम फिक्का वाला दही 1/2 कप इतना फेंट करके इसमें डाल दीजिए। और देखिए ग्रेवी को जिस तरह से आपको पतला रखना है, गाढ़ा रखना है, उस तरीके से पानी इसमें डालिएगा। मैंने 1/2 ग्लास इतना पानी इसमें डाला है। ग्रेवी में उबाल आने के बाद 1 छोटा चम्मच इतना गरम मसाला डालेंगे, कोई भी ब्रांड का डाल दीजिए, और फाइनली लीड से कवर करके 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, सफिशियंट है। 2 मिनट के बाद ये देखिए मैंने लीड को हटा दिया है, मसाले बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं जी, साइड से इसके ऑयल भी रिलीज हो चुका है। तो ये जो ग्रेवी है ना अंडा करी की हमारी बन करके तैयार है जी। इसका दानेदार पना एक बार आप पास से देखिएगा, देखिए इतनी मस्त और मज़ेदार ये लगती है ना फ्रेंड्स। इस तरह की ग्रेवी आप बना करके ना इसमें पनीर काट करके डालेंगे तो पालक पनीर बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर बनाने वाले हैं अंडा करी। तो ना अंडे इस ग्रेवी में मत डालिएगा। अगर आप ग्रेवी जब सर्व कर रहे हैं ना तो ग्रेवी इस तरीके से प्लेट में डालिए, उसके बाद इसके ऊपर से अंडे रख दीजिए, क्योंकि अंडे हमने काटे हैं ना तो अंडे में जो येलो पार्ट होता है वो ग्रेवी में मिक्स हो जाएगा और उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो जब भी आप सर्व करने वाले हैं ग्रेवी तो इस तरीके से पहले ग्रेवी डाल दीजिए और उसके बाद इस तरह से ऊपर से अंडे रख दीजिए। ऑलरेडी हमने अंडों को फ्राई करके रखा है तो इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए जी मैंने किस तरह से इसे सर्व किया है, बस आपको भी इसी तरीके से इसे सर्व करना है। और जब इस तरीके से सर्व करके आप इसे मेहमानों के सामने रख देंगे ना तो मेहमान तो बस खुशी से नाचने लगेंगे। इतनी मज़ेदार रेसिपी है, इतनी यूनिक रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिए, आज ही इसे घर पर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में किस रेसिपी का आपके साथ शेयर करूं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार से रेसिपी के साथ। धन्यवाद।